This news bulletin is brought to you by NK Law Solicitors, dealing with immigration, asylum, nationality, work permits, domestic violence and much more. This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बाकी खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं फातिमा मेहर। चलते हैं अहम खबरों की तरफ। वजीर आजम ने नून लीग और पीपी के दरमियान सियासी और दीगर अमूर में तआवुन के लिए कमेटी बना दी। वजीर आजम की कायम करदा कमेटी में वफाकी वुज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर तारड़, आहद खान चीमा, अमीर मकाम राना सनाउला, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, जाफिर खान बंदोखेल और बशीर मेमन शामिल हैं। वजीर आजम ने कमेटी को पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत, सियासी तआवुन और मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंपी है। इधर चंद रोज पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि वफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहदे पर अमल हो रहा है। वो 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल की मंजूरी दे दी। पीटीआई का मुमकिन एहतजाज, जुड़वा शहरों में जगह जगह कंटेनर्स लग गए। लाहौर और फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों में दाखिल होने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किए जाने का सिलसिला जारी है। फैजाबाद समेत 6 मकामात को कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया गया। फैजाबाद IGP रोड, रिवायत टी चौक, कैरिज फैक्ट्री, मंदरा और टेक्सला रोड को बंद कर दिया गया, जबकि कचहरी चौक को एकतरफा ट्रैफिक के तौर पर चलाया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तमाम राबता सड़कों को मुकम्मल सील किया जाएगा। जुड़वा शहरों को 33 मकामात से बंद करने का सिलसिला जारी है। सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी कहीं जाने नहीं देंगे। मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि हमारे पास असेंबली में 2/3 से ज्यादा नुमाइंदगी है। मुस्लिम लीग नून के साथ तहफुजात चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तफसील से बताए, नून लीग के साथ तहफुजात बातचीत से दूर करना चाहते हैं। वजीर आला सिंध ने कहा कि पानी के मामले पर सिंध का मौकफ वाज़ह है। सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी कहीं जाने नहीं देंगे। हम सिंध के पानी पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। पोलियो केसेस पर बात करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि मुल्क से पोलियो का खात्मा जरूर करेंगे। पाकिस्तान में पोलियो के 52 केसेस रिपोर्ट हुए। बेनज़ीर भुट्टो ने पोलियो के खात्मे के लिए इनकलाबी इकदाम किए थे। हमने बच्चों के हकूक का ख्याल रखना है, हमें अपने बच्चों को बेहतर तालीम देनी है। मरीम नवाज का निश्तर अस्पताल का दौरा, मरीजों में डायलिसिस के दौरान एड्स फैलने पर MS समेत कई डॉक्टर्स मुअत्तल कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने निश्तर अस्पताल मुल्तान का दौरा किया, जहां इन्होंने डायलिसिस के दौरान एड्स फैलने पर MS समेत डॉक्टर्स और हेड नर्स मुअत्तल करते हुए डॉक्टरों को एड्स से मुतासर मरीजों को हर जाना अदा करने का हुक्म दिया। मुअत्तल होने वालों में डॉक्टर मोहम्मद काजिम, डॉक्टर गुलाम अब्बास, डॉक्टर पूनम खालिद, डॉक्टर मोहम्मद कदीर, डॉक्टर मलिहा जौहर, डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर और हेड नर्स नाहिद परवीन शामिल हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी हेल्थ को रिपोर्ट करने की हदायत भी जारी कर दी। इस दौरान वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि एड्स हेपेटाइटिस के हर 3 माह बाद लाजमी टेस्ट के SOPs के खिलाफ वर्जी की गई। प्रोटोकॉल के बरक्स प्राइवेट लेबोरेटरी से एड्स टेस्ट कराए गए। एड्स साबित होने के बावजूद वार्ड के डॉक्टर्स और अमले ने वाकया छुपाने की कोशिश की है। बरतानिया के मारूफ बिजनेसमैन चौधरी इफ्तखार अहमद नंदवाल, चौधरी वकास, चौधरी वकार की तरफ से पाकिस्तान से आए मेहमान चौधरी सैफुल रहमान के एजाज में लाल किला बोल्टन में शानदार इशाइया का अहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान गुजरात नंदवाल से ताल्लुक रखने वाले बरतानिया में आबाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इशाइया की तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ पक्की खबर वसीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के मारूफ बिजनेसमैन चौधरी इफ्तखार अहमद नंदवाल, चौधरी वकास और चौधरी वकार की तरफ से पाकिस्तान से आए मेहमान चौधरी सैफुर रहमान के एजाज में लाल किला बोल्टन में शानदार इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान गुजरात नंदवाल से तल्लक रखने वाले बरतानिया में आबाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में अपने आबाई गांव गुजरात नंदवाल की बेहतरी, मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद की मदद समेत मौजूदा आलात और ओवरसीज पाकिस्तान की अपने मुल्क में ज़र मुबादला भिजवाने वालों को सराहा गया। तकरीब के मेज़बान चौधरी वकास नंदवाल, चौधरी वकार ने मेहमानों को वेलकम किया। पक्की खबर से बात करते हुए शुरका ने करार दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की आबाई वतन के लिए खिदमात काबिल स्ताइश हैं, रहते तो ओवरसीज में हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान में धड़कते हैं। माशाल्लाह चौधरी इफ्तार साहब के बेटे ने वकास वकार ने आज जरा प्रोग्राम किया, अलहमदुल्ला बहुत अच्छा प्रोग्राम किया ने, और इन्हें प्रोग्राम आना होंगे रहने चाहिए ने, गप शप लग जाती है, अठवें दसवें दहाड़े प्रोग्राम हो गए तो सारे बंदे रिलैक्स हो के
तफरी के तौर पर इतने कट्ठे हो जाइए करिए। अलहमदुल्ला नंदवाल ने इन्हें अगे भी कट्ठे किया एक दो बारी, तो ये अच्छी आदत है। मेरी दुआ है सारे पिंड के बंदे ऐसे ही इतफाक न रमन और ऐसे खुश रमन, तो आपस में हसते बसते रहन। वकास साहब ने जी दावत का इहतमाम किया वे भाई साहब के आजाद विच, माशाल्लाह ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया वे, चलो एक पिंड की सारी कम्यूनिटी इकट्ठा किया वे, तो बड़ी खुशी हुई है मिल के। हमेशा ही इस तरह के इहतमाम करते रहते हैं, अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे, इन्हों की रोजी रोटी की बरकत पाए, तो इस तरह के मामला जेड़े थे कम्यूनिटी चुनते रहते जी। आज हम सब कम्यूनिटी को इकट्ठा किया है हमारे भांजे वकास इफ्तखार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर, हमारे भाई जो सैफ पाकिस्तान से आए हैं उनके इस्तकबाल के लिए। पहले भी सारी कम्यूनिटी को इकट्ठा करते रहते हैं और हम सब भाइयों को मिल बैठने का मौका जो है वो फराहम करते रहते हैं। मैं सब का जो भी यहाँ भाई तशरीफ लाए हम सब का दूसरे में आगे बिजनेस कम्युनिटी से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इफ्तार भाई वकार वकास इनकी हॉस्पिटैलिटी देख के पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी याद आ गई, तो बड़ी खुशी होती है कि जब पाकिस्तान का डायस्पोरा बिजनेस को लेके इतना एक्सेल कर रहा होता है। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह करे कि इनके बिजनेस में और कारोबार में और बरकतें हों, और पाकिस्तान के लिए भी बायस फ़ख्र का समय है। पाकिस्तान जो आज इंटरनेशनल रेमिटेंस की वजह से चल रहा है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है उसमें पाकिस्तान की कम्युनिटी का। तो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक और बड़ी खुशी हुई मुझे आज मैनचेस्टर में बिजनेस कम्युनिटी से मिलके उनसे बात करके। जी आज हमारे सैफ भाई का आने का दिल की तरह अगर सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और सब ने इकट्ठे होके अपने मुल्क के बेहतरी के लिए बातें वगैरह हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी सारे पाकिस्तानी वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम, दे ऑल आर गोइंग टू सक्सेस एंड वी ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर एवरीबॉडीज विश टू एवरीबॉडी। इशारिया तकरीब में चौधरी फारस इकराम, चौधरी अफजाल बजाड़, मेंबर हाजी अशरफ, चौधरी असानुल्ला, चौधरी खरम नवाज, चौधरी शहजाद, चौधरी अफजाल, चौधरी फैजान, चौधरी रुखसार, चौधरी नवाज, चौधरी वसीम, चौधरी अंजम अनायत समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों की तवाजो पुरतकल्लफ पाकिस्तानी खानों से की गई। वसीम चौधरी, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, मैनचेस्टर। गोजर खान के नवाही इलाका पायमाल में कायम किए जाने वाले किला कालाकोट में महकमे आसार कदीमा की अदम तवज्जोही के बायस गखड़ों का तारीखी विरसा तबाह, शरपसंद अनासिर रही सही तारीख भी मिटाने के दर पे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा पकी खबर वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। गोजर खान के नवाही इलाका पायमाल में कायम किए जाने वाले किला कालाकोट महकमा आसार कदीमा और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस तकरीबन खत्म हो चुका है। गखड़ों के इस किला की बाकियात भी कीमती नवादरात तलाश करने वालों की बेरहम खुदाई से ख़त्म होती जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक नवादरात फरोख्त करने वालों ने किला कालाकोट में जगह जगह खुदाई करके इस विरसा की बची कुची तारीख भी ख़त्म करना शुरू कर दी है। सोना चांदी सिक्के और नवादरात निकालने की गर्ज से किला की बाकियात में मौजूद एक कुआं भी तोड़ डाला गया। किला में खुदाई करके पुराने बर्तन और उनकी बाकियात निकाली जा रही है, जिसके बायस चंद ही महीनों में किला कालाकोट की बाकियात ख़त्म कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ किला कालाकोट के करीब एक मिनी डैम बनाया जा रहा है, जिससे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये किला पानी की जद में आ जाएगा। अहले इलाका और गखड़ तंजीमों ने हुकूमत और आसार कदीमा से मुतालबा किया है कि इस तारीखी विरसा की बाकियात को बचाया जाए ताकि तारीख की एक अहम तरीन निशानी को महफूज किया जा सके। मलक वहीद, पक्की खबर, सुहावा, तहसील गुजरहान। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी का हंगामी इजलास तलब, अहम फैसले मुतवक्को। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी की हंगामी मीटिंग 26 नवंबर को तलब की गई है, जिसमें भारतीय और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शरीक होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। हंगामी मीटिंग में तमाम बोर्ड मेंबर्स भी शरीक होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी की हंगामी मीटिंग वर्चुअल होगी और इसमें भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से इनकार पर बातचीत होगी और आईसीसी मुख्तलिफ मामलों को हतमी शक्ल देगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक,
हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।